नमस्कार, आप सभी दर्शकों का NIOS के इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर नीता दत्ता, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय भोपाल से विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं। मैडम, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो सीखने के दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे सीखने को प्रभावित करती है। एक उदाहरण के तौर पे, जब हम थके हुए होते हैं तो उस समय किसी चीज़ को सीखने का करने का हमारा मन नहीं करता। तो विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हम जो है डॉक्टर नीति दत्ता से एक डिटेल में चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से कारक हैं कि हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं और इनसे कैसे बचा जाए। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैडम, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कौन कौन से कारक हैं कि जो अधिगम को प्रभावित करते हैं और इनको कैसे पहचाना जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि वो हमको मालूम नहीं होती है लेकिन वो प्रभावित कर रही होती है। तो उन चीज़ों को कैसे ध्यान में रखें, इस पर हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं ताकि वो लाभान्वित हों। जी देखिए, अधिगम कि जब हम बात करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसको हम सीखना कहते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक भाषा में, मनोविज्ञान में हम इसको अधिगम कहते हैं। अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में वांछित परिवर्तन। जो पहले व्यवहार था, अधिगम के पश्चात उस व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तभी वो अधिगम कहलाएगा। तो वांछित व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहा जाता है। बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो कि हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। आप कक्षा में, क्योंकि हम यहाँ पर कक्षा का उदाहरण देना ज़्यादा उचित समझते हैं, कि कक्षा में आप कई बार देखते हैं कि बच्चे, कुछ लोग बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, कुछ बच्चों की जो गति होती है सीखने की वो बहुत धीमी होती है, कुछ लोग कोई काम करना बहुत आसानी से सीख जाते हैं जी, जैसे कि वाहन चलाना जी। कुछ बच्चे बहुत त्वरित गति से वाहन चलाना सीख लेते हैं और कुछ बच्चे बहुत बड़ी उम्र तक भी नहीं सीख पाते हैं, बहुत समय लगता है। उसी तरीके से खाना बनाना, लिखना, किसी पाठ को स्मरण करना, हर व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार अधिगम होता है जी। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जल्दी सीख रहे हैं और कुछ लोग देरी से सीख रहे हैं? तो इसके बहुत सारे कारक हैं। बहुत सारे जो कारक होते हैं वो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं जी। प्रमुख तौर पर जैसे अधिगम और परिपक्वता जी, अधिगम और प्रेरणा जी, अधिगम और वातावरण, अधिगम और अभ्यास, अधिगम और सीखने की तत्परता, अधिगम और अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो हमारे सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। तो हम अधिगम और परिपक्वता से शुरू करते हैं कि अधिगम और परिपक्वता, परिपक्वता क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप जैसे जानते हैं कि परिपक्वता और वृद्धि में आपसी संबंध होता है। जैसे जैसे शिशु का शारीरिक विकास होता है, साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों के बीच में आपस में सहसंबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे शारीरिक मांसपेशियों में सुदृढ़ता आती है, बच्चा किसी काम को आसानी से कर पाता है। जैसे छोटा बच्चा है, शुरुआत में जब उसकी शारीरिक मांसपेशियाँ सुदृढ़ नहीं होती हैं तो वो आसानी से खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे जैसे उसके अंदर परिपक्वता आती है, शारीरिक परिपक्वता, उसकी मांसपेशियों में सुदृढ़ता आती है, वो साथ साथ चलना, दौड़ना, सभी क्रियाओं में बहुत आसानी से करने लगता है, सीख जाता है आसानी से। तो दोनों का आपस में सहसंबंध है। आप देखते हैं कि बच्चों को पहली बार जब पहाड़े सिखाए जाते हैं जी गणित में, तो पहला पहाड़ा सीखना उनको बहुत मुश्किल लगता है जी, बहुत मुश्किल लगता है। बच्चा जब 5 तक का पहाड़ा सीख लेता है, 10 तक का हम मान लेते हैं, 10 तक का पहाड़ा जब बच्चा सीख लेता है तो 10 के बाद उसको गुणा करना आ जाता है।
और गुणा सरलता हो जाती है, और इसके बाद आगे के पहाड़े वो रटता नहीं है। आगे के पहाड़ों को वो कैसे सीख लेता है, वो गुणा करके सीख लेता है, समझ के सीख लेता है। तो उसमें कैसी आई, मानसिक परिपक्वता आई। तो शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ जैसे जैसे वो आगे क्लास में बढ़ा, आगे कक्षा में बढ़ा, बड़ी कक्षा में गया, उसकी शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ उसकी मानसिक परिपक्वता हुई, और इस वजह से जो अधिगम को प्रभावित किसने किया, परिपक्वता ने प्रभावित किया। तो अगर हम छोटे बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो हर काम आसानी से कर लेगा, तो वो मुमकिन नहीं है। तो शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी उसी अनुपात में होता है। जिन बच्चों का मानसिक विकास ज़्यादा हो गया और शारीरिक नहीं हुआ, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। जहाँ पर शारीरिक विकास नहीं हो रहा, सिर्फ मानसिक विकास हो रहा है, वहाँ पर भी समस्याएं आती हैं। तो दोनों का आपस में बराबर के अनुपात में संयोजन होना बहुत ज़रूरी है, तभी अधिगम प्रभावशाली रूप से होगा। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, तत्परता। एक कहावत है कि घोड़ा तभी पानी पिएगा जब प्यासा होगा। जी, किसी व्यक्ति के सामने, खाली घोड़े के लिए नहीं, ये तो एक कहावत है, लेकिन सामने भोजन रखा हो, लेकिन तब तक भोजन को करने की चाह नहीं होती है अंदर से जब तक कि हमारे अंदर भूख ना लगे। पानी की बोतल भरी रखी रहेगी, लेकिन तब तक उस बोतल को छूने का भी मन नहीं होगा जब तक कि हमारे अंदर की प्यास हमें पानी पीने के लिए प्रेरित नहीं करे, मजबूर ना करे। तो इसका परिणाम क्या है कि तभी हम कुछ सीखते हैं, अधिगम तभी होगा जब व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होगा। आपने अक्सर देखा होगा, यानी अधिगम के लिए उद्देश्य होना जरूरी है। उद्देश्य के साथ साथ अधिगमकर्ता का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तैयारी नहीं, क्लास में अक्सर हम देखते हैं कि पढ़ाते वक्त बच्चों से अगर सवाल किया जाता है कि हाँ भाई सवाल का जवाब बताओ, सब लोग वहाँ पर शारीरिक रूप से प्रस्तुत हैं, मौजूद सब हैं, लेकिन कुछ बच्चे जवाब दे पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं जवाब दे पाते। क्यों? क्योंकि शारीरिक रूप से तो वो वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन क्षणिक भर के लिए भी अगर उनकी मानसिक उपस्थिति नहीं है तो क्या होगा, उनका ध्यान उधर गया, उनकी तत्परता हटी, और जो आप बताना चाह रहे हैं वो कभी भी वो नहीं सीख पाएंगे। आपका कहने का मतलब है जो छात्र मानसिक रूप से उपस्थित रहते हैं वो तो बता पाते हैं, और मानसिक रूप से दूसरी जगह घूमने कहीं चले जाते हैं, मानसिक उनका मन कहीं घूमने चला गया है, खेल के मैदान में चला गया। ठीक है, बाजार की कोई बात याद आ गई, कोई भी याद आ गई, घर का कोई फैक्टर याद आ गया, कोई दूसरा विषय याद आ गया, कोई सामान, इवन अगर आप कॉपी भी निकालने लगते हैं उस बीच में बैग से तो भी भटक जाता है दिमाग। पेन अगर नीचे गिर गया, उस पेन को उठाने के लिए अगर आप उठे, थोड़ा सा आप इधर उधर हुए, तो आपका जो ध्यान सीखने पर था वो हट गया, डाइवर्ट हो गया, और वो जो टीचर ने जो बात कही वो दिमाग से मिस हो गई, और बच्चा कहता है कि मैडम सवाल फिर से पूछे कि आपने सवाल क्या पूछा था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस समय तत्पर नहीं था, तैयार नहीं था, तत्परता का मतलब तैयार नहीं था, इस वजह से वो सवाल भी टीचर का नहीं सुन पाया, समझ नहीं पाया। तो ज़रूरी है कि अधिगम तभी होगा जब हमारे बच्चे में सीखने के लिए तत्परता होगी। अगर बच्चा सीखना नहीं चाहता या हमें कोई काम नहीं करना चाहते हैं, बेमन से जब काम कोई करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है, इसी तरीके से वो अधिगम नहीं है, कभी भी अधिगम नहीं हो सकता जबकि सीखने वाला तैयार नहीं होगी। तो इसलिए सीखने के लिए, अधिगम के लिए, अधिगम धारक को तत्पर होना अत्यंत आवश्यक है, तभी उसकी लर्निंग होगी, तभी उसका अधिगम होगा। नहीं तो आप क्लासरूम में, कक्षा में शिक्षण कितना भी शिक्षाकार क्यों ना कर ले, लेकिन बच्चा तैयार नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पर और भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जैसे किसी शिक्षक विशेष के साथ बच्चे के अगर संबंध अच्छे नहीं हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि मैथ्स के टीचर से अगर बच्चा डरता है तो मैथ्स के टीचर के आने पर मानसिक रूप से वो ये मान करके चलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक उसने अपनी छवि बना ली है कि मुझे मैथ समझ में आनी ही नहीं है। एक चिंता हो रही है। तो वहां पर उसकी जो तत्परता है वो खत्म हो गई, जो उसकी तैयार होना चाहिए था उसको सीखने के लिए, वो वहां पर तैयार नहीं हो पा रहा। तो मानसिक रूप से तत्पर कब नहीं होता बच्चा, जब कोई बाहरी, और भी बहुत से कारक होते हैं मानसिक रूप से तैयार ना रह पाने के लिए,
एक जो एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, उसको अच्छा ना लगना बच्चे को, तब वो अपनी तत्परता नहीं दिखाता उसको सीखने के लिए. इवन वो उसका पीरियड भी नहीं अटेंड करना चाहता जी, उसका बस नहीं चलता है स्कूलों में, नहीं तो वो उस मैथ्स के पीरियड में या किसी और भी सब्जेक्ट के पीरियड में, ज्योग्राफी के पीरियड में, वो कक्षा से बाहर जाने का प्रयत्न करता है, बार बार उठ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है. क्यों? कोई बहाना बना, क्योंकि वो तत्पर नहीं है सीखने के लिए. वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उस टीचर के साथ उसका सहसंबंध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो सीखने के लिए तैयार हो. अच्छा मैडम, ये हमारे दर्शकों को ये बताइए जी, चिंता तो एक मनोवैज्ञानिक चीज है, ठीक है, तो इसको कैसे हटाया जाए, इस डर को कैसे निकाला जाए जी, ठीक है, ताकि छात्र जो है सही तरीके से समझ सके. देखिए, अधिगम में वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जी. यदि आपके सीखने के समय का वातावरण अनुकूल नहीं है, गर्मी लग रही है, बैठने की जो व्यवस्था है वो उचित नहीं है जी, हम बच्चों की बात तो छोड़ें, अगर हम बड़े भी जी, अगर विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता. अगर गर्मी लग रही है, बाहर से शोर आ रहा है, बच्चे की तबीयत खराब है, स्थान का अभाव है बैठने के लिए, उसको जगह ही नहीं है, तो पूरे समय उसकी इसी कोशिश में निकल जाता है कि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी सी, मैं ठीक से बैठ जाऊं. ठीक है, अब गर्मी लग रही है, मई के मौसम में अगर क्लास में लाइट नहीं है और गर्मी लग रही है, तो एक साधारण व्यक्ति भी सीख नहीं पाता, तो जो शिशु है, बच्चा है, वो कैसे सीख सकता है. तो अधिगम के लिए वातावरण का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है. इसलिए ये अध्यापक और अध्यापिका का ये कर्तव्य है कि वो शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस बात को सुदृढ़ कर ले कि बच्चा सही तरीके से बैठा है, बच्चा सही वातावरण में है, और बच्चे ने मान लीजिए कुछ सीखना चाह भी रहा है, लेकिन अगर सही उद्दीपन नहीं है, स्टिमुलस नहीं है अगर, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है. तो ज़रूरी है टीचर जो है वो सही उद्दीपन इस्तेमाल करे. अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, तो वहाँ पर कोई उद्दीपन का काम नहीं हो रहा है. बच्चे ने कोई सवाल किया, हमने उसको डांट करके बैठा दिया, तो उसको निगेटिव नकारात्मक उद्दीपन आपने दे दिया, तो वो भी उसके वातावरण को, उसके सीखने को प्रभावित करेगा. तो उसका मतलब यह है कि उसको डांटना नहीं चाहिए क्लास के दौरान. अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से बच्चे के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डाल देना कि बच्चे का ध्यान जो सीखने में लगना चाहिए था, आपने वातावरण कैसा बना लिया, नकारात्मक वातावरण बना लिया. जब नकारात्मक वातावरण बन गया, तो जो मानसिक रूप से वो सीखने के लिए तैयार हो रहा था, उसका दिमाग कहीं और चला जाएगा. क्लासरूम में, बच्चों के क्लासरूम्स में खिड़कियां होती हैं, बाहर शोर हो रहा है, गेम्स का मैदान है, खेल चल रहा है अगर, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाहर अगर खेल के मैदान में अगर खेल चल रहा है, तो बच्चा का मन पढ़ने में कैसे लगेगा. तो इस बात को भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि जहाँ पर कक्षा हो रही है, वहाँ पर शोर अव्यवस्था ना हो, इतनी गर्मी भी ना हो कि बच्चा बैठ भी ना पाए, इतनी सर्दी भी ना हो कि बच्चा उस सर्द को बर्दाश्त भी ना कर पाए. तो ये बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं. दूसरा, जैसे कि हमने पहले भी बताया उसमें, कि अध्यापक और सहपाठी का जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी. बच्चा तभी तत्पर होता है किसी टीचर से पढ़ने के लिए जब उसके साथ उसके संबंध अच्छे होंगे. कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ अध्यापक अध्यापिकाएं कक्षा में घुसते ही साथ बच्चों को सज़ा देना शुरू कर देते हैं कि बच्चे के किसी ने कुछ बात करी और उनको बाहर मुर्गा बना दिया गया, या अमूमन हाथ खड़े कर दो, खड़े हो जाओ, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ. तो उस अध्यापक के साथ बच्चे का जो संबंध है वो कैसा जा रहा है, नकारात्मक जा रहा है. जैसे ही वो अध्यापक या अध्यापिका क्लास रूम में अंदर प्रवेश करेगी, बच्चे का मानसिक रूप से उसके साथ, उस अध्यापक और अध्यापिका के साथ संबंध खत्म हो जाएगा, और वो उचित वातावरण ना मिलने की दशा में उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा और उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी. तो आपका कहने का मतलब है मैडम जो है कि जब
अध्यापक कक्षा में प्रवेश करे तो छात्रों को ऐसा करना लगना चाहिए, मतलब आनंद महसूस होना चाहिए, आनंद महसूस, खुशी होना महसूस, चाहिए, खुशी चाहिए, महसूस होनी कि चाहिए। अब जो है ये अध्यापक आए हैं, अब गणित पढ़ने में मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, अब इंग्लिश पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। जब ऐसा वो महसूस करेगा तो जो है चीजें स्थायी होंगी, स्थायी और वो उस चीज पे ध्यान को केंद्रित कर पाएगा, ध्यान केंद्रित और उसको समझ पाएगा। ज्ञान होना अलग बात है किसी चीज, बिल्कुल, लेकिन जब वो समझ लेगा तो वो चीजें स्थायी होंगी, स्थायी हो जाएंगे। इसलिए उनसे प्यार से व्यवहार करना, डर नहीं बैठाना, डर नहीं बैठाना चाहिए। जैसे अक्सर होता है कि मान लीजिए बच्चे ने किसी कारणवश होमवर्क नहीं किया, गृह कार्य नहीं किया, अब टीचर ने उसको, वैसे ही इस बात का डर है कि आज वो गृह कार्य करके नहीं लाया, टीचर ने जैसे ही प्रवेश किया पूरे समय उसको ये भय है कि कब टीचर होमवर्क मांगेगी और मुझे आज सजा मिलनी है, तो सजा का जो इम्पैक्ट है वो उसके दिमाग में इतना ज्यादा है कि जो लर्निंग चल रही है, जो अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, वो उसमें अपना ध्यान नहीं दे पा रहा है, भटक जाएगा, भटक जाएगा। तो वातावरण का अनुकूल होना, कंड्यूसिव होना, ये बहुत जरूरी होता है। हम बड़े लोग अनुकूल वातावरण जब नहीं मिलता तो काम नहीं कर पाते, तो अधिगम कैसे हो सकता है, और वो भी छोटे बच्चों के साथ जिनको कि बहुत प्यार और एक अनुकूल वातावरण दे करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरा, आपने मोटिवेशन का नाम हम बहुत सुनते हैं, अभिप्रेरणा, मैस्लो की थ्योरी, मैस्लो का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं। हमको कोई अगर कोई अच्छा काम करते हैं और हम कह देते हैं वाह, तो ये वाह क्या है? ये अभिप्रेरणा है। हमने कोई भी काम किया, ये खाली ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ये हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन एक प्रशंसा हासिल करने की चाह सब में होती है कि मैं कोई भी काम करूं, इवन हम कपड़े पहने, कोई तारीफ कर दे, तो ये क्या मिलता है? अभी प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती, खुशी मिलती है, अंदर से एक ऊर्जा आती है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम जब हम तैयार होते हैं तो वो जो अभी प्रेरणा मिली थी हमें, उसकी बुनियाद हमारी आगे के लिए भी बनती बन है, बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक दिशा देती है और उसके लक्ष्य को नियंत्रित करती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अभिप्रेरणा का अभाव होता है, उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि पता नहीं वो काम सही कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए बाहरी कोई प्रेशर ज़रूरी, दबाव ज़रूरी नहीं होता। ये एक होता है कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है इसलिए मैं ये काम करूँगा, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो मुझे किसी बाहर से किसी का दबाव पड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है क्योंकि मेरी उसमें रुचि है, मुझे ये खुशी देता है इसलिए मैं क्रिकेट खेलूँगा या खेलूँगी, कुछ भी। किसी बच्चे को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है तो उसको कोई बाहर से कुछ, कोई कहे ना कहे, वो जब भी खाली वक्त होता है वो अपना पेन कागज़ लिया, पेंसिल लिया और वो चित्र उकेरने लगता है। जो बच्चे जिस भी स्पोर्ट्स को, जिस भी गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, वो अपना उस गेम में, वो रोज़ उस गेम को खेलना पसंद करते हैं। तो ये क्या है? अंदर से जो मेरी रुचि है, अंदर से जिस काम को करने में मुझे आनंद आता है वो मैं करना शुरू कर देता हूँ, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाह्य अभिप्रेरणा ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें पुरस्कार भी है, प्रशंसा भी है और दंड भी है। बाह्य अभिप्रेरणा जब हमें मिलती है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा होमवर्क करके लाया, गृह कार्य करके लाया और अच्छा गृह कार्य किया, अच्छी सुलेख में किया, अच्छी राइटिंग में उसने किया और टीचर ने कह दिया कि वाह तुमने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी, तो ये क्या मिला उसको? प्रशंसा मिली, प्रशंसा मिली, और इस प्रशंसा ने उसके सुलेख को सुधारने में क्या दिया? बल प्रदान किया, बल प्रदान, उत्साह पैदा किया। एक बच्चा क्लास में जिसकी उपस्थिति 100% है, अगर आपने उसको पुरस्कार दे दिया सत्र के अंत में कि फला बच्चे की 100% उपस्थिति के कारण इसको ये पुरस्कार दिया जाता है, तो क्या हुआ? अगले साल भी वो पूर्ण उपस्थिति देने के लिए प्रयत्न करेगा, ना केवल वो बच्चा बल्कि क्लासरूम के दूसरे बच्चे भी प्रेरित हो जाएंगे कि अगर उसको मिला है तो हमें भी इनाम मिल सकता है। कई बच्चों को क्लासरूम में देखा गया है कक्षा में कि उनकी कितनी भी तबीयत क्यों ना ख़राब हो, कितना भी उन्हें बुखार क्यों ना हो, लेकिन वो स्कूल आते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको क्या मिलना है? पुरस्कार मिलना है। अच्छा मैडम, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए
कि किस प्रकार की अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, बाह्य अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है या आंतरिक अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो इसमें हमारे जो दर्शक हैं अंतर कर पाएंगे जी। तो उसके अनुसार जो है विद्यालयी परिस्थितियों में जी। इस दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाओं का प्रयोग अधिगम को बढ़ाने के लिए जी। ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए प्रयोग कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। देखिए ऐसा है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो अपनी रुचि अभिरुचि के ऊपर आधारित होती है। उसके लिए मुझे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा की आवश्यकता तो है, दंड की नहीं, दंड तो नेगेटिव अभिप्रेरणा की तरफ जाता है, पुरस्कार और प्रशंसा की आवश्यकता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम मुझे क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए मैं बिना किसी के कहे वो काम करते हैं। जैसे किसी को अगर खाना बनाने का, पाक कला का शौक है तो अच्छा लगता है, अगर कोई कह देता है कि आज खाना बहुत अच्छा बना है तो वो उसको मोटिवेशन मिला, वो बाह हो गया, लेकिन क्योंकि खाना बनाना शौक है वो उस काम को करता है। लेकिन उस आंतरिक रुचि में और उस आनंद में अगर बाह पुरस्कार और प्रशंसा मिल जाते हैं तो वो क्या कर देता है, और उस चीज को सुदृढ़ मजबूत कर देता है। किसको? अधिगम को। उस अधिगम को और सुदृढ़ता और बल मिल जाता है जब उस आंतरिक अभिप्रेरणा में बाह अभिप्रेरणा मिल जाती है। ठीक। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा तो नहीं है, जैसे होमवर्क करना किसी को मजा नहीं आता, किसी बच्चे को मजा नहीं आता कि उसको गृहकार्य करने के लिए दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आप करते हैं। नहीं, वो इसलिए करते हैं कि उनको सजा ना मिले, क्लासरूम में ज़्यादा काम ना कराया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गृहकार्य करके ना जाओ तो टीचर कहती है कि इतनी बार और लिख करके लाओ कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया, 10 बार लिखो 20 बार लिखो, या भाई कॉपी है, लिखना है, होमवर्क करना है, एक मजबूरी है, क्योंकि हम औपचारिक शिक्षा में वो आवश्यक है, इसलिए होमवर्क उस बच्चे को करना है। लेकिन गृहकार्य बच्चा खुशी से कब करने लगता है? जब टीचर गृहकार्य चेक करते समय, उसको जांच करते समय ये कह दे कि फला बच्चे ने बहुत साफ सुथरा, बहुत सही तरीके से अपने भावों को व्यक्त करते हुए ये सवाल किया है, तो ये उसको बाह अभिप्रेरणा मिली, ये क्या मिली, उसको प्रशंसा मिल गई और वो काम वो और अच्छे से करेगा अगली बार, क्योंकि उसको पता है कि मुझे टीचर की तरफ से ए क्या है, ग्रेड दे देती है टीचर, स्माइली बना देती है। आजकल आप देखते हैं नर्सरी के बच्चों में अगर कोई बच्चे ने अच्छा काम किया तो टीचर उनके मुंह में एक फेस बना देती है और उसको मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देती है। उस बच्चे के, नर्सरी के बच्चे के हाथ में एक स्टैम्प लगा दी जाती है जिसमें स्टार बना होता है, माथे पे स्टार बना दी जाती है, और यकीन मानिए वो बच्चा घर आकर के उस मुंह को धोना नहीं चाहता कि आज उसकी टीचर ने उसको क्या दे दिया है, स्टार दे दिया है। ये क्या है, बार बार वो उस स्टार को पाना चाहता है। तो ये बाह अभिप्रेरणा है, ये पुरस्कार प्रशंसा उसको काम को बेहतर बनाने के लिए। अगर टीचर ये कह देती है कि कल तुम इससे अच्छा करोगे, इससे बेहतर करोगे तो तुम्हें 2 स्टार मिलेंगे, तो बच्चा और आगे अभिप्रेरित होता है और उसको वो काम करने लगता है। ठीक। अब जैसे भूगोल में रुचि है तो हम भूगोल का प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन गणित का अगर रुचि नहीं है तो गणित का अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है तो मन नहीं करेगा उस काम को करने में, क्योंकि आंतरिक नहीं है। ये ऐसे ही है कि जो है किसी को क्रिकेट खेलना में मजा नहीं आता, लेकिन गाने गाने में बहुत मजा आता है। ये अपने अपने शौक है, अब सिर्फ माता पिता के डर से विद्यालय जाए तो कोई ये सही नहीं है। तो जरूरी क्या है कि माता पिता के डर से विद्यालय ना जाए, बल्कि किसके वजह से जाए, प्रेरणा उसको मिल रही है क्योंकि दंड मिलेगा, इस भय से वो स्कूल जा रहा है। गृहकार इसलिए करे क्योंकि उसको गृहकार ना मिलने पर दंडित होना पड़ेगा, इसलिए। जैसे कभी हम बच्चों से कहते हैं अच्छा तुम ये काम कर दो, हम तुमको चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट क्या है, बाह प्रेरणा पुरस्कार स्वरूप कि तुम्हारा ये काम सही होने पर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। तो चॉकलेट पाना उसका टारगेट है ना कि वो काम करना। तो चॉकलेट पाने के लिए वो अच्छा चॉकलेट पाने के लिए वो अच्छा काम, क्योंकि उसको पुरस्कार मिल रहा है, इसलिए पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, छोटे बच्चों से हम इस तरीके से काम कराते हैं, उनको बाह प्रेरणा दे करके, फिर धीमे धीमे ये उनकी क्या हो जाता है, अधिगम उनके में व्यवहार में रूपांतरित हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी छात्र में अगर आंतरिक अभिप्रेरणा ज्यादा है तो वो अपने आप बाह्य अभिप्रेरणा का आधार रख देती है, क्योंकि पुरस्कार तो
मिलेगा ही अच्छा कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आंतरिक, दोनों आंतरिक होती ही है सबके अंदर, लेकिन कुछ काम हमें जो कार्य अच्छे नहीं लगते हैं उसके लिए हमें बाह्य अभिप्रेरणा मिलना आवश्यक है। आवश्यक है, आंतरिक अभिप्रेरणा सबके अंदर होती है, लेकिन कुछ बच्चों को बाह्य प्रेरणा सभी को चाहिए होती है कि उसको पुरस्कार मिल जाए और प्रशंसा मिल जाए। दूसरा अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नता हमारे मध्य काम करती है। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के मुताबिक, ये सारे जो कारक हैं ये किस पे असर डालते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर डालते हैं। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फला अच्छा क्रिकेट खेलता है तो तुम भी अच्छा क्रिकेट खेलो, क्योंकि उसका स्वास्थ्य उसके आड़े आ रहा है, वो हिम्मत नहीं दे रहा। एक व्यक्ति थका हुआ है, अगर आप बहुत बच्चा बहुत थका हुआ है तो उसकी क्या होगा, अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, अधिगम प्रभावित होगा। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सीखने के लिए, अधिगम के लिए सिर्फ एक कारक है, यहाँ पर बहुत सारे जितने भी कारक हैं वो सब असर डालते हैं। इन सब कारकों को देखते हुए ही अधिगम प्रभावित रूप से किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से आज की कक्षा में आपने सीखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और ये किस तरीके से छात्रों के सीखने को प्रभावित करते हैं। हमें उम्मीद है आपने इनको समझ लिया होगा और जब आप विद्यालय जीवन में वास्तविक रूप से इन कारकों को अपने मन में ध्यान रखेंगे और प्रयास करेंगे छात्र इन कारकों से दूर रहें, ये कारक नियंत्रण में रहें, ताकि छात्र न केवल ज्ञान प्राप्त करें बल्कि ज्ञान को समझें और प्राप्त ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। तो बड़े ही सरल उदाहरणों के द्वारा इस कंसेप्ट को क्लियर किया है डॉक्टर नीति दत्ता ने, हम इनके बहुत आभारी हैं। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।